24 साल पहले मैं पहली बार गौतम लुधा एक तरफ तेज तर्रार धारा प्रवाह हिंदी बोलने वाली शानदार भाषण कला में माहिर महिला ने तो दूसरी ओर टूटी फूटी हिंदी बोलने वाली विदेशी मूल की भारतीय महिला जो राजनीति में आने की इच्छा भी नहीं रखती थी। जी हाँ, ये किस्सा है सोनिया गांधी बनाम सुषमा स्वराज का। कहाँ हुई थी इन दोनों महिला नेताओं की भिड़ंत, किसके हाथ लगी थी सत्ता की बाजी, आज हम आपको बताएंगे इस दिलचस्प जंग की पूरी कहानी। लेकिन सबसे पहले सोनिया गांधी का ये बयान सुन लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम आज क्यों इस किस्से का जिक्र कर रहे हैं। मैंने भी जब 24 साल पहले मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा तो मुझे भी बेल्लारी के लोगों का विश्वास और समर्थन मिला। सोनिया गांधी जिस 24 साल पहले के चुनाव का जिक्र कर रही हैं, यही है हमारी आज की कहानी। साल था 1999 का। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरते गिरते लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार दो सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करती हैं और कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि सोनिया गांधी अमेठी के साथ आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ेंगी। 17 अगस्त 1999 को सोनिया गांधी दिल्ली से हैदराबाद रवाना होती हैं, लेकिन वो आंध्र प्रदेश ना जाकर पहुंच जाती हैं कर्नाटक के बेल्लारी और चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर देती हैं। बीजेपी को जैसे ही सोनिया के नामांकन की खबर लगती है, 17 अगस्त की रात आनन फानन में पार्टी की तेज तर्रार महिला नेता सुषमा स्वराज को चुनाव के लिए बेल्लारी भेज दिया जाता है। नामांकन के आखिरी दिन तय हो जाता है कि बेल्लारी में दो महिला नेता दो दो हाथ करेंगी। बताया जाता है कि ये वो दौर था जब सोनिया गांधी टूटी फूटी हिंदी बोलती थी, तब सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज ने बेल्लारी की जनता का दिल जीतने के लिए मात्र एक महीने में कन्नड़ सीख ली थी। इसके बाद सुषमा स्वराज ने चुनावी रैलियों में कन्नड़ में धारा प्रवाह भाषण देना शुरू कर दिया। उन्हें हिंदी भाषी नेताओं की तरह कर्नाटक में ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसके बाद बेल्लारी में अटल बिहारी वाजपेयी की रैली होनी थी। इस दिन सुषमा स्वराज ने 20 मिनट का पूरा भाषण कन्नड़ में दिया था। भीड़ के साथ ही वाजपेयी भी सुषमा स्वराज के भाषण से दंग रह गए थे। सुषमा ने बेल्लारी के चुनाव को स्वदेशी बनाम विदेशी बनाने की कोशिश की। वो खुद को स्वदेशी बेटी बताती थी और सोनिया को विदेशी बहू। सुषमा ने गांधी परिवार को भी जमकर निशाने पर लिया था। राहुल तब 29 साल के थे और प्रियंका 27 साल की। दोनों ने एक हफ्ते अपनी माँ के लिए बेल्लारी में प्रचार भी किया था। तब सुषमा ने प्रियंका के बहाने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रियंका अपनी माँ के लिए वोट मांग रही हैं और मैं भारत माता के लिए वोट मांग रही हूँ, कृपया भाजपा को वोट दें। हालांकि इन तमाम कोशिशों के बावजूद सुषमा स्वराज सोनिया गांधी से 1999 का बेल्लारी चुनाव 56,000 वोटों से हार गई थी। तब चुनाव हारने के बाद सुषमा ने कहा था कि मैं भले ही युद्ध हार गई हूँ, लेकिन ये लड़ाई मेरे नाम रही। हालांकि सुषमा को हराने के बाद सोनिया गांधी ने बेल्लारी लोकसभा सीट छोड़ दी थी और अमेठी को चुना था, लेकिन इस हार में भी सुषमा ने जीत देखी क्योंकि सोनिया गांधी उस समय प्रधानमंत्री पद की अघोषित दावेदार थी और आमतौर पर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की जीत के अंतर 1,00,000 से ज्यादा होता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुषमा ने कहा था कि अगर हार जीत का अंतर 50,000 वोटों के आसपास का रहता है तो जीत मेरी ही मानी जाएगी। बहरहाल समय बीता, 2004 के चुनाव में बीजेपी का इंडिया शाइनिंग का नारा फ्लॉप साबित हुआ। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की, लगा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। एक बार फिर सुषमा ने कमाल संभालते हुए घोषणा की कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो अपने पद से त्यागपत्र दे देंगी, अपना सिर मुंडवाकर पूरा जीवन एक भिक्षुक की तरह बिताएंगी। किसी नेता ने इससे पहले शायद ही ऐसी घोषणा की होगी,
हालांकि सुषमा को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि सोनिया गांधी ने खुद पीएम पद को ठुकराते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को आगे कर दिया था। वैसे आपको बता दें कि कर्नाटक की बेल्लारी सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती है। 2018 के चुनाव में बेल्लारी की कुल 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 पर जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को 6 सीट पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस इस सीट पर किस कदर अहम मानी जाती है और कांग्रेस के लिए सीट किस कदर अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2018 के चुनावी अभियान की शुरुआत राहुल गांधी ने इसी सीट से की थी। अब देखना होगा कि बेल्लारी की जनता 24 साल पहले वाला इतिहास दोहराकर कांग्रेस को जीत का तोहफा देती है या 24 साल पहले बीजेपी से छीन ली गई खुशी उसे फिर वापस मिलती है।